प्रणाम महाराज। महाराज, आपके सैनिकों ने जो किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। मैं कोई साधारण प्रजाजन नहीं हूँ आपका। स्वयं को असाधारण पुकारने वाला कितना भी असाधारण क्यों ना हो, अपने गुण खोकर साधारण हो जाता है। कोयल कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करती, अपितु अन्य सभी उसके मधुर स्वर की प्रशंसा करते हैं। सूपकार जी, यदि ये सत्य है कि आपके पास वो असाधारण शक्ति है जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं वचन देता हूँ कि आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो अब आप अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, यहाँ वर्षा करवाकर इस अतृप्त सूखी धरती की प्यास बुझा दीजिए। अवश्य महाराज। महाराज के राजभवन के ऊपर अभी वर्षा हो जाए। चिंता मत कीजिए महाराज, वर्षा होगी, अवश्य होगी। मेघों को एकत्रित होने में समय लगता है। मैंने कहा था ना महाराज, ये सब मनगढ़ंत प्रचार है। किसी व्यक्ति के पास भला इंद्रदेव की शक्ति कैसे हो सकती है? अब भ्रम फैलाने का दंड मिलना चाहिए सुपकार जी को। नहीं नहीं, भ्रम नहीं है ये। स्वयं इंद्रदेव ने वरदान दिया था। मैं पुनः कहता हूँ, महाराज के राजभवन के ऊपर वर्षा हो। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपका कहा सत्य है तो यहां वर्षा क्यों नहीं हुई? अवश्य ही मुझसे ही कोई भूल हुई है। इतने अहंकार से यहां आए थे, अब लज्जित होकर जाएंगे सूपकार महोदय। ये तो सत्य है, मेरा अहंकार ही मेरा दोष है जिसके लिए प्रभु मुझे दंडित कर रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन सूपकार जी को। हे प्रभु जगन्नाथ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी कृपा स्वरूप मुझे यह वरदान मिला और फिर भी मैंने अहंकार किया। मुझे क्षमा दान देकर मेरी लाज बचा लीजिए। मुझ अहंकारी के लिए ना सही, अपने अन्य भक्तों के लिए ही इस क्षेत्र का सूखा दूर कर दे प्रभु। हर कृपा करके यहां वर्षा करवा दीजिए। जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हे महान सूपकार जी, अब इस संपूर्ण अकाल पीड़ित क्षेत्र में भी वर्षा करवा दीजिए, विशेष रूप से वहां जहां मंदिर के लिए अन्न और वनस्पति उत्पन्न होती हैं। हे प्रभु, उस संपूर्ण अकाल पीड़ित क्षेत्र में वर्षा करने की कृपा कीजिए। आनंद आ गया। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवराज। देवऋषि, आपने सत्य कहा था, प्रभु के महाभोग को चखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रभु मिल गए। धन्यवाद देवराज, आज आप ही के कारण जगन्नाथ जी पुरी के स्थान में वर्षा हुई। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने मुझे उसके लिए प्रेरित किया। और सत्य कहूँ तो मैं वहाँ
वर्षा करने के आशय से कदापि नहीं गया था। अब तो ये प्रभु की ही लीला है। तो अब विलंब किस बात का, आइए आप भी प्रभु के महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। अवश्य। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार प्रभु की लीला से पूरी क्षेत्र में वर्षा हुई और शीघ्र अकाल समाप्त हो गया और मंदिर का भंडार भी अन्न से भर गया। फिर राजा गालू माधव ने वो वचन भी निभाया जो उन्होंने सूपकार को दिया था। सूपकार जी, मैंने वचन दिया था, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आज से आपको मेघमाल्या सुवार कहा जाएगा और इस उत्कल प्रदेश पर उपकार करने के लिए एक उपहार देना चाहूंगा। धन्यवाद महाराज। हमें क्षमा कीजिए, आरंभ में हमने आप पर संदेह किया, किंतु बस अब हमारी एक ही इच्छा है, आपके सम्मान में प्रभु के महाभोग में एक और व्यंजन स्वारपीठ जोड़ा जाए। मेरा एक और निवेदन है, मुझे वहां ले चलिए जहां से देवराज इंद्र ने प्रस्थान किया था। आइए महाराज, यही इंद्रदेव ने वरदान दिया था मुझे और उसके पश्चात वो स्वर्ग लोक चले गए। यदि यहीं से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है तो यहाँ स्वर्ग द्वार का निर्माण होगा और कालांतर तक ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है देवराज इंद्र यहाँ प्रभु जगन्नाथ की लीला और उनकी इच्छा से ही आए होंगे, इसलिए स्थान से प्रभु के आशीर्वाद से ही। उस दिन के बाद से स्वर्ग द्वार का विशेष महत्व है। स्वर्ग द्वार के सामने जहाँ पृथ्वी और महोदादी सागर एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ स्नान करने से पुरी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है और स्वर्ग द्वार के निकट अंतिम संस्कार होने से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है। अद्भुत, प्रभु की लीला, उनकी कृपा अपरंपार। पुत्र, किंतु ये तो माता, वो वानर, वो सारा महाभोग खा जाएगा। तो क्या हुआ पुत्र, इनकी आगमन की आशा में मैं अधिक महाभोग लाई हूँ, मैं इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही थी। वो प्रभु के भक्त और सेवक महाबली हनुमान जी हैं। मैं प्रतिदिन उनके लिए महाभोग यहाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि महाभक्त हनुमान जी का विशेष संबंध है स्थान से और ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेड़ियों में बांधा जाना स्वीकार किया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। बेड़ी हनुमान? विश्वास नहीं होता, महाबली हनुमान जी को कोई बेड़ी में बांध सका। मन की जिज्ञासा ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है और यही जिज्ञासा तो भक्त माधव दास के मन में भी थी, जिन्हें स्वयं माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा साधारण मनुष्य भेष धारण कर प्रभु कथा सुना रही थी। महाबली हनुमान और बेड़ियों में, ये कैसे संभव है? कौन था वो जो स्वयं हनुमान जी को बेड़ियों में बांधने का सामर्थ्य रखता था? प्रभु के इस मंदिर की स्थापना में आरंभ से हनुमान जी की विशेष कृपा और मार्गदर्शन रहा है।
मंदिर निर्माण से लेकर मूर्ति निर्माण तक उन्होंने समय समय पर सुझाव दिए। यदि ये कथा नहीं सुनी तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कथा पूर्ण नहीं होगी। उनकी इस कथा के लिए आपको समय निकालना ही होगा। तुमने उचित कहा पुत्र, भक्त के परिचय के बिना भगवान का परिचय भी अधूरा ही है। और अब हनुमान जी को भोजन देने के बाद हमारे पास कथा कहने का समय है ना? अवश्य। तो सुनो भैया, मेरे मुख से बेड़ी हनुमान की कथा सुनो। आओ बैठो। इस कथा का आरंभ नील चक्र रक्षा की कथा से होता है। महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडेचा के जीवन काल के कुछ ही समय बाद अति विशाल महान महोदधि महासागर में प्रचंड तूफान आने लगा। ऐसे महासागर का स्वभाव ही होता है उग्रता। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उग्रता किसी कारण वश पराकाष्ठा पर थी और किसी विशेष प्रयोजन से ही प्रेरित होकर वो महासागर आगे बढ़ रहा था। विशेष प्रयोजन? किंतु सागर का कोई विशेष प्रयोजन कैसे हो सकता था? जब भगवान इतने निकट हो तो किसी का भी मन होगा उनके चरण स्पर्श करने का, और सागर भी यही चाहते थे। किंतु उससे तो जगन्नाथ जी पूरी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग ही बाधित हो जाता। हाँ, यद्यपि सागर तट मंदिर से दूर था, किंतु महासागर के इस व्यवहार से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे सागर मंदिर के निकट आने का प्रयास करते, पूरी क्षेत्र में बड़े तूफान आते, जिसके कारण नील चक्र पर संकट आ रहा था, और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मंदिर से नीचे गिर जाएगा। क्या महाबली हनुमान आए चक्र रक्षा के लिए? सागर के आचरण से अनभिज्ञ जगन्नाथ जी पुरी में प्रभु दर्शन के बाद महाभक्त भक्ति सागर में ऐसे डूबे कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में ही खो गए। उन्हें तो तूफान का आभास भी नहीं था, किंतु प्रभु के नील चक्र को सुरक्षित रखने का सामर्थ्य एकमात्र हनुमान जी में ही था। इसीलिए उनकी सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि तूफान थम नहीं रहे थे और तीव्र होते जा रहे थे। तब तो फिर किसी को हनुमान जी के पास जाकर उन्हें ये बताने की आवश्यकता थी। किंतु जब भक्ति की तंद्रा में हो तो उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाने वाला कौन था? प्रभु के कार्य का, उनकी इच्छा पूर्ति का माध्यम तो उनका एक भक्त ही हो सकता है। तो उस समय जो असंख्य भक्त जगन्नाथ जी पुरी धाम यात्रा पर आए थे, उन्हीं में से एक थे वो योग्य भक्त। जहां सभी अन्य यात्री तूफान से भयभीत होकर विचलित हो भगवान के दर्शन से वंचित हो रहे थे, वहीं एक भक्त था जो विचलित हुए बिना सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभु के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। भैया, लगता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम उन तक पहुँचे, तभी ये तूफान आया है। जब प्रभु का बुलावा ही नहीं आया तब भला उनके दर्शन कैसे होंगे? आओ भाई, लौट चलो, लौट चलो यहाँ से। प्रभु की इच्छा है तो कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तक आया हूँ तो प्रभु की ही इच्छा है, अब तो उनके दर्शन करके ही लौटूंगा। कौन थे महान भक्त? श्री संत। ये
जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ। धन्य हुआ आज आपके दर्शन पाकर मैं, धन्य हुआ। अहो भाग्य मेरे, ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा जो आज मैं प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने चला आया। ये क्या कह रहे हैं, प्रभु के दर्शन से तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। अरे कैसा सौभाग्य भैया, यहाँ तो प्राणों पर ही संकट छाया हुआ है। हाँ भाई, तूफान तो बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, जीवित लौट भी सकेंगे? अब यहाँ रहना उचित नहीं है, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो, रुक जाइए, चलो, यहाँ से निकल पाना ही कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, रुक जाइए, अभी नहीं गए, कोई मंदिर में फंसे रह जाएंगे। शांत हो जाइए सब, प्रभु की शरण में आए हैं, कुछ नहीं होगा हमें। प्रभु के दर्शन के लिए आए थे तो उन पर विश्वास रखिए, प्रभु कभी भी अपने भक्तों को क्षति नहीं पहुँचने देंगे। अतः चिंता छोड़कर प्रभु की पूजा कीजिए, भजन गाइए उनका। अब ये कैसी भयावह ध्वनि थी? सुनो सुनो, मंदिर का नील चक्र भी गिरने वाला है। यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता क्यों करना है भैया, जब मंदिर का नील चक्र गिर रहा है तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? उनकी बातों में रुक जाइए, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा हमें। शीघ्रता करो, शीघ्र जल्दी करो। हे प्रभु, हमारी सुरक्षा कीजिए प्रभु। चक्र को लेकर तो मैं भी चिंतित हूं। ये उचित नहीं। नील चक्र को गिरने से रोकना होगा। आइए आइए आप सब, इस नील चक्र को गिरने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए। आइए आप सब निकलो यहाँ से, शीघ्रता करो, भाग चलो, तो चलो निकलो यहाँ से, चलो भैया, भागो, शीघ्रता करो, जल्दी करो, चलो यहाँ से। कुछ भी हो जाए, मेरे रहते इस नील चक्र को धरती पर गिरने नहीं दूंगा। कैसी मूर्खता है ये, नील चक्र के भार के नीचे कुचले जाओगे। इस नील चक्र को रोककर अगर मैं इसके भार से कुचला भी जाता हूं तो मेरा सौभाग्य होगा। नील चक्र विशाल ही नहीं अति भारी भी है, तो फिर उसके गिरने को भला कोई एक मनुष्य अपने हाथों से कैसे रोक सकता था? ये आत्मविश्वास नहीं, अति विश्वास है। नहीं पुत्र, ये उस महान भक्त की अधिक भक्ति थी। ये कैसी विचित्र भक्ति थी गजानन? विचित्र नहीं, अद्भुत और अटूट भक्ति थी ये। भक्त को भगवान पर जब पूर्ण विश्वास हो तो वो ऐसा ही करते हैं, और ऐसी भक्ति में अपार शक्ति होती है। ये सत्य है, श्री संत स्वयं इतने भारी नील चक्र को नहीं थाम सकते थे, किंतु उनकी भक्ति की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता था। अरे अरे, मानसिक संतुलन भंग हो गया इसका। जब बुद्धि आएगी तो स्वयं भाग निकलेगा यहाँ से। प्रभु, आप अकेले ही संसार का भार वहन करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी ना करूं? सभी मुझे मूर्ख समझते हैं तो समझे, लेकिन आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का परम ध्येय है। मैं अकेले तो इस नील चक्र को नहीं संभाल सकता, लेकिन इसे धरती पर मैं गिरने भी नहीं दे सकता। अगर ये नील चक्र गिरा तो ये स्वयं आपका अपमान होगा और आपके भक्तों को एक अनुचित संदेश जाएगा। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, इसलिए प्रभु मुझे बल दीजिए या मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु।
यदि भगवान के बिना भक्त नहीं तो भक्त के बिना भगवान भी पूर्ण नहीं। भक्त श्री संत, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त और योग्य भक्त कौन है, ये तुम भली भांति जानते हो। संकट की इस घड़ी में संकट मोचन महाबली भक्त शिरोमणि हनुमान जी और कौन? लो भैया, अब आ गई बुद्धि इसे, तभी तो भाग रहा है यहाँ से। अब बुद्धि आ गई है मुझे, समझ गया हूँ, संकट मोचन हनुमान जी ही हमारा संकट दूर करेंगे। हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, मेरी सहायता कीजिए, प्रभु के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए। भगवान, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु का भक्त उनका भजन गाते गाते रुक क्यों गया? हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, मेरी सहायता कीजिए, प्रभु के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए। भगवान, जय श्री राम। हे प्रभु, आपकी लीला है अपरंपार। ईश्वर में आस्था और स्वयं पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।